हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2021 का जो एग्जाम हुआ था 29 मई को, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, जिनके आंसर कीज जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आंसर कीज हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वीडियो बनाने के लिए। सो एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सो बचे हुए जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा विथ अवेलेबल लिटरेचर एंड रेफरेंसेस जो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। सो लेट स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमारा कैम्बर दिया था और बोला था कि हमारी जो रोड है वो स्लोपिंग रोड है। तो स्लोपिंग रोड से हम इन जनरली जो हमारा टेरेन कंडीशन हमारा यहाँ स्पेसिफाई नहीं है, तो जनरली स्लोपिंग रोड के लिए हम प्लेन या रोलिंग टेरेन लेते हैं, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा जो उस पर्टिकुलर टोपोग्राफी में क्रॉस स्लोप है वो कितना है, जो कि IRC 73 से गवर्न्ड है। वो अलग से मैंने यहाँ पर टेबल दी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि हाउ हमारा जो क्रॉस स्लोप है वो कैसे टेरेन के साथ वेरी कर रहा है, जिसके बेसिस पर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर रोड सेक्शन का अगर हम कैम्बर की बात करें, तो वी विल अज्यूम सिंपल फॉर्म, जो कैम्बर है बेसिकली टू ड्रेन ऑफ द वाटर, जो बेसिक कंसेप्ट है कैम्बर प्रोवाइड करने का। तो ये हमारा कैम्बर दिया है उस पर्टिकुलर स्लोपिंग रोड में 1:48 का, ठीक है। और टेरेन हमारा डिफाइन हो गया और हमारा कैम्बर डिफाइन हो गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर रोड के लिए हमें रूलिंग ग्रेडियंट कितना रखना है। तो बेसिकली जो रूलिंग ग्रेडियंट है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। इट मीन्स अगर हमारा रोड का अलोंग द लेंथ ऑफ रोड अगर आप सेक्शन देखोगे तो बेसिकली कुछ इस तरह आएगा। तो ये जो हमारा ग्रेडियंट है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है, और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो हमारा कैम्बर है, जो हमने क्रॉस स्लोप दिया हुआ है टू ड्रेन ऑफ द वाटर, बेसिक प्राइमरी फंक्शन जो है। तो बहुत सारी लिटरेचर्स अवेलेबल हैं जो कि ये एस्टैब्लिश करती है कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन कैम्बर एंड द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो उस रिलेशन को हम समझ लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस दिया है। तो बेसिक हमारा मिसकंसेप्शन ये होगा कि अगर इन जनरल हम रोड में लॉन्गर स्टीपर ग्रेडियंट्स दे रहे हैं तो हम वहाँ पर कैम्बर रिड्यूस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बेसिक फंडा ये है कि हमारा जो पानी गिर रहा है रोड पर, दैट हैज़ टू ट्रैवल अ लेसर डिस्टेंस, मीन्स कम डिस्टेंस ट्रैवल करके ही वो रोड से ड्रेन ऑफ हो जाए, अदरवाइज हमारे वो सरफेस को डिट्रोइट करेगा। तो जनरली हमारा जो स्टीपर ग्रेडियंट्स है वहाँ पर हमें कैम्बर को बढ़ा देना है। तो इस बेसिक कंसेप्ट के साथ बढ़ते हुए अगर हम डेरिवेशन पे जाते हैं, एम्पेरिकल डेरिवेशन पे, तो कुछ हमारा ये रिलेशन निकल के आता है, जो किसी भी रोड का कैम्बर है दैट शुड बी डबल द ग्रेडियंट, या ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द कैम्बर। यहाँ पे जो ग्रेडियंट है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो यहां पर हमारा कैम्बर दिया हुआ है 1:48 और हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रेडियंट हमारा कितना होगा। तो यहां पर जो P है दिस इज द परसेंटेज ग्रेड, ठीक है। तो यहां परसेंटेज फॉर्म में हम नहीं बात कर रहे हैं, तो जो ग्रेडियंट होगा इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू That should be 2 times the C value, because हम यहां पे refractive fraction में बात करें तो gradient आ जाएगा 1:48, तो ये आ जाएगा हमारा 1:24। तो this is the gradient जो होना चाहिए। आप यहां important बात ये समझिए कि यहां पर ये नहीं बात कर रहा है कि this should be the ruling gradient, यहां पे ये ruling gradient की बात नहीं कर रहा है, यहां पे simply लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट के बात कर रहा है। और IRC के हिसाब से हमारे पास जो ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं वो 3 तरीके के बेसिक ग्रेडियंट्स हैं, जो डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन हमारी IRC 73 कोड अगर आप प्रेफर करोगे नॉन अर्बन रोड्स के लिए तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो टेरेन अगर आपका प्लेन है, रोलिंग टेरेन है, तो जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो 1:30 होना चाहिए, ठीक है। बट हमारा यहाँ पर जो बेसिक लॉजिकल इम्पेरिकल इस्टेब्लिश जो हम करते हैं बेस्ड ऑन द रीजन कि हमारा जो स्टीपर ग्रेडियंट है वो हाउ कैम्बर इज रिलेटेड विद दैट, तो हमारा 1:30 से अप
आपका रहना चाहिए। और साथ में हमारा जो रोलिंग ग्रेडियंट की डेफिनेशन है आईआरसी कोड के हिसाब से कि नॉर्मल कोर्स में वो रोलिंग ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है विच मस्ट, वो कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए किसी भी रोड में। अगर ग्रेडियंट एक्सीड कर रहा है यानी इस ग्रेडियंट से स्टीपर है तो दैट विल नॉट बी द रूलिंग ग्रेडियंट, वो हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट के कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्रेडियंट्स अप टू रूलिंग ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट्स हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स हैं रोड के, रूलिंग ग्रेडियंट तक हमारे डिजाइन में यूज होंगे। तो डिजाइन में हम क्या यूज करेंगे उसकी बात हो रही है। प्रोवाइड कितना करना था, इट शुड बी 1/24, बट एज पर आईआरसी जो डिजाइन कंसिडरेशंस हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रूलिंग ग्रेडियंट शुड बी अडॉप्टेड एज 1/30, बिकॉज जो 1/24 की वैल्यू है ये इससे ज्यादा एक्सीड कर रही है, बिकॉज ये शार्पर ग्रेडियंट है। अगर आप रूलिंग ग्रेडियंट से शार्पर ग्रेडियंट अडॉप्ट कर रहे हो तो देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द रूलिंग ग्रेडियंट। तो जो शार्पर ग्रेडियंट है वो आप अडॉप्ट नहीं करोगे फ्रॉम द डिजाइन कंसिडरेशन, बिकॉज यहाँ रूलिंग ग्रेडियंट की बात कर रहा है। अगर ये सिंपली ग्रेडियंट की बात करता कि किस ग्रेडियंट, किस लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट को आपको रोड सेक्शन में अडॉप्ट करना है, तब आपका आंसर 1/24 होता। लेकिन रूलिंग ग्रेडियंट की अगर इसमें बात करेगा क्वेश्चन में तो आपका 1/30 ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एज पर जो लिटरेचर अवेलेबल है एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 1/30 इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बहुत सारी जगह पे 1/24 को भी आप एलेबरेट किया हुआ है, कुछ जगह पे 1/30 भी दिया हुआ है। तो इन माई ओपिनियन ऑप्शन बी विल बी कंसिडर्ड एज द राइट आंसर। और दूसरी लिटरेचर में एक और बात करता है ये जो मैंने आपको क्रॉस स्लोप के बारे में बताया कि हाउ द क्रॉस स्लोप के बेसिस पर हम टेरेन का क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज पर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में जो यूलर्स हेड है वो किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो इनलेट और एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल्स हैं उनका डायग्राम बनाया हुआ है, जहां पे फाई जो है ये हमारा एंगल है, इंपलर वेन एंगल एट द एग्जिट, ये हमारा एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में पानी अंदर से आ रहा है और एग्जिट पे जा रहा है, तो जो हमारा फ्लो के वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वेक्टर डायग्राम है बेसिकली आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। इसमें VW है, VW1 इज द वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट द आउटलेट एंड दिस इज द पेरिफेरी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एट द आउटलेट ऑफ द इंपेलर, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन दी हुई है जो हमारा वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड है, ठीक है। दिस एम्पेरिकल वैल्यू इज नोन एज यूलर्स हेड, ठीक है, कंसिडरिंग कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेन्स इन द इंपेलर, इसको इंपेलर हेड कहेंगे। तो यहां पर जो डेफिनेशन है दैट इज डराइव्ड फ्रॉम द यूलर्स वेलोसिटी ट्राइंगल जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड को, वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट द आउटलेट एंड द वेलोसिटी जो पेरिफेरल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उस पर डिपेंड कर रहे हैं, जो कि हमारे आउटर डायमीटर ऑफ इंपेलर पर डिपेंड करती है। इसको अगर हम स्पीड के टर्म्स में लिखें इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज पाई d1 बाई 60 दिस u1, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैनोमेट्रिक हेड आप ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ वर्ल जो है ये डिपेंड कर रही है हमारे फाई एंगल पे, जो कि हमारा इंपेलर वेन एंगल एट द एग्जिट है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारा जो यूलर्स हेड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल पैरामीटर्स। तो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपके आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल के पैरामीटर्स हैं, एंड एंगुलर मोमेंटम आपको पता है वही सेम टर्मोलॉजी है, बट इट विल बी कंसिडर्ड फॉर आउटलेट वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट द एग्जिट ऑफ द इंपेलर। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिट ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट इन माई अंडरस्टैंडिंग और जो लिटरेचर अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एग्जिट ग्रेडियंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे सब जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं एग्जिट ग्रेडियंट की, वी आर यूजिंग दिस फार्मूला विच इज बेसिकली अ एम्पेरिकल फार्मूला जो कि खोसलास थ्योरी से डराइव होके हमारी एस्केप ग्रुप में या किसी और स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं अभी, हम इसको बेसिक कंसेप्ट से समझ लेते हैं कि जो पहला लोड वर्ड यूज कर रहा है उसका मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो लोड है
इन हाइड्रोलिक्स या इन जनरल जो टर्म हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग में, उसका मतलब है कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ सरफेस आर अ बॉडी। ठीक है, तो यहां पर जो लोड है इसको आप कह सकते हो कि इट इज अ सीपेज फोर्स जो कि किसी भी सरफेस या बॉडी पर एग्जर्ट हो रही है। और एग्जिट ग्रेडियंट, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये वो ग्रेडियंट जो हमारे एग्जिट पे है। ठीक है, तो अब कोई भी हम फ्लो कंडीशन ले लें, कंसिडरिंग अ वियर, हमारा जो एक तरीके से हमारा जो वाटर फ्लो होगा अलोंग द स्ट्रीम लाइंस, जो हमारा पानी का फ्लो होगा, जो पानी सीप करके जाएगा, तो हमारा जो एग्जिट ग्रेडियंट हमारा एट द एग्जिट पॉइंट है, अगर फ्लो नेट के टर्म्स में बात करें तो जो हमारा स्मॉलेस्ट फ्लो नेट की बात होगी उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा ग्रेडियंट आएगा वो हमारा एग्जिट ग्रेडियंट कहलाएगा, जो कि हम बेसिकली डीएच बाई डीएल एलिमेंट से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बट अब इसके बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं कि हाउ द कंसेप्ट ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट अराइज। तो जब आप सॉयल मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो कि जब हमारा पानी यानी वाटर सैचुरेटेड सॉयल मास के लिए में सीप करता हुआ आ रहा है बिटवीन द एलिवेशन, दो पॉइंट्स के डिफरेंस इन एलिवेशन की वजह से, तो देयर विल बी अ फ्रिक्शनल ड्रैग। ये बेसिकली सीपेज फोर्स क्या है हमारी, फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स है। तो फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स जो है ये हमारे पार्टिकल्स पर एग्जर्ट कर रही है। तो फॉर अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉयल हमारा जो सीपेज फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आई जेड, सीपेज फोर्स टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस हम आई जेड गामा डब्ल्यू ए, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पर हमारा वर्टिकल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट पे हमारी ये सीपेज फोर्सेस वर्टिकली एक्ट करेंगी, उसका जो कंपोनेंट होगा वेक्टर कंपोनेंट दैट विल बी वर्टिकली एक्टिंग। तो हमारा सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आप लिख सकते हो द ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो हमारा क्विक सैंड कंडीशन जब आप पढ़ते हो कि जो हमारा बायोनेंट वेट है, जो सबमर्ज्ड वेट है सॉइल का, वो हमारे सीपेज फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा जीरो हो जाएगा, जो कि इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा जीरो हो गया रिजल्टेंट फोर्स तो हमारी क्विक सैंड कंडीशन हो गई। तो उस केस में जो हमारा आई है, आई विच इज द ग्रेडियंट इन जनरल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीम लाइन, अब एग्जिट के पॉइंट पे जाकर वो हमारा क्रिटिकल ग्रेडियंट बन जाएगा, जिस कंडीशन पे हमारा पाइपिंग एक्शन या क्विक सैंड यानी ये दोनों हमारे बायोनेट फोर्स और जो अपवर्ड सीपेज फोर्स है वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है वो गामा सबमर्ज बाई गामा डब्ल्यू हो जाएगा और एक इम्पेरिकल रिलेशन पे हम डेराइव हो पाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें सिंपली कि जो सीपेज फोर्स है, ठीक है, सीपेज फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम आप भी लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स द सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है ये आई है, ठीक है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट, एट एग्जिट जो हमारी सीपेज फोर्स होगी वो हमारी आई क्रिटिकल हो जाएगी, जिस पे हमारा पाइपिंग शुरू हो जाएगा, और एट द एग्जिट दिस विल बी कॉल्ड एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, तो इट मींस कि हमारा जैसे जैसे हमारा ग्रेडियंट, जैसे जैसे सीपेज फोर्स बढ़ेगी हमारा जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से कि हमारा एग्जिट ग्रेडियंट जो है वो सीपेज लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्रीप लेंथ का मतलब ये है कि जब हमारा स्ट्रीम लाइंस के अलोंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके अलोंग जो पाथ जो पानी को ट्रैवल करना पड़ रहा है ड्यूरिंग सीपेज, वो टोटल लेंथ जो है वो क्रीप लेंथ है। ठीक है, यानी आपका टू टाइम्स द डी वन, टू टाइम्स डी टू, टू टाइम्स डी थ्री और ये बेस विड्थ आप ऐड करोगे तो दैट विल बी द क्रीप लेंथ। तो ये लेंथ आपकी बढ़ेगी अगर, तो वो हमारी जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो रिड्यूस होता जाएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ पाथ जो है हमारा बढ़ता जा रहा है अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, बट दैट इज रिलेटेड सम हाउ नॉट डायरेक्टली विद सम एम्पेरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, और जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो डेप्थ ऑफ कट ऑफ यानी डाउन स्ट्रीम की जो कट ऑफ है उसके इनवर्स, जितनी डेप्थ आप बढ़ाते जाओगे हमारा जो आपने एच बाई एल लिखा था ये बढ़ाते जाओगे तो आपका जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो रिड्यूस होता जाएगा, तो इससे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बहुत जगह ऑप्शन डी दिया है, तो इन माय ओपिनियन आंसर ए शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ द नागपुर कॉन्फ्रेंस द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे। यहां पर समझने की जरूरत यह है कि नागपुर कॉन्फ्रेंस यानी नागपुर रोड प्लान जब बनाया गया 1943 से, जो 20 ईयर प्लान था, उस बीच में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, उस समय जो कॉन्फ्रेंस हुई रोड प्लान को लेके, जिसमें हमारे जो रोड्स का क्लासिफिकेशन था वो चार कैटेगरीज में बेसिकली किया गया, नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। ये चार बेसिक कैटेगरीज थी हमारी रोड्स की, जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस के बेसिस पे हमारी एक फॉर्मेशन विड्थ सजेस्ट की गई। ठीक है, तो नेशनल और स्टेट हाईवेज के लिए प्लेन एरिया के लिए 12 मीटर, तब नंबर ऑफ लेन्स का कंसिडरेशन नहीं लिया गया था। ठीक है, तो नेशनल और स्टेट हाईवेज के लिए 12 मीटर्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 मीटर्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 8 मीटर्स और विलेज रोड के लिए 7.5 मीटर, और हिली एरिया या रॉक कटिंग में आपका 7.9, 6.7, 6.7, 4.2। अब ये जो आईआरसी की रिकमेंडेशंस थी, जो हमारे आईआरसी की रिकमेंडेशंस, बेसिकली ये आईआरसी की रिकमेंडेशंस नहीं होंगी, बिकॉज आईआरसी हमारा 1934 में बन गया था। 1934 में जब आईआरसी बना और हमारा 1943 में जब रोड कॉन्फ्रेंस हुई, तो हमारा जो सजेशंस दिए गए वो ये थे। ठीक है, इसके बेसिस पर हमारी एक ड्राफ्ट तैयार हुआ आईआरसी कोड का, जो अप्रूव होने के बाद आईआरसी 73 1980 में फाइनली ये पब्लिश हुआ था, तो उसमें ये डिसाइड हुआ, जिसमें लेंस का कैटेगराइजेशन आ गया और हमारा जो टेरेन के बेसिस पे, क्रॉस स्लोप के बेसिस पे टेरेन का क्लासिफिकेशन है वो आ गया। तो रोड विड्थ बेसिकली हमारा कैरिज विड्थ और जो मीडियंस वगैरह है वो, और हमारा शोल्डर विड्थ इन फिलिंग, और अगर कटिंग है तो हमारा साइड ड्रेन्स की विड्थ को एक्सक्लूड करके जो लेंथ है वो हमारी आईआरसी 73 1980 में दी गई। तो ये आप लेन के हिसाब से, ये आप सभी ने पढ़ रखा है, तो आप इसको इससे रिलेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वर्जन ऑफ आईआरसी 73 1980 और दिस इज द वर्जन जो हमारी आईआरसी 73 1980 पब्लिश होने से पहले चीजें चल रही थी, वो ये चल रही थी विच वर बेस्ड ऑन द जो नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस थी उसके बेसिस पर। तो इन माय ओपिनियन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी 12 मीटर। यहाँ पे हाउएवर इनको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहिए था कि आप प्लेन एरिया के लिए पूछ रहे हो या आप हिली एरिया के लिए पूछ रहे हो, बट हिली एरिया के लिए अगर हम 7.9 अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए, तो इस पर आप जा सकते हो। इस पर एसएससी जेई में एक बार क्वेश्चन ये 2017 या 7 में आई थिंक पूछा गया था, जिसमें आइडियल नेशनल हाईवे की विड्थ पूछी गई थी फॉर रॉक कटिंग हिली एरिया, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर जो था 7.9 था। अब इसको क्वेश्चन मिल भी जाएगा आप गूगल करोगे, तो इन माय ओपिनियन आंसर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।